जेजेपी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और गोहाना से ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन कुलदीप मलिक को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। इसी वक्त हमारे साथ कुलदीप मलिक हैं जो पूर्व चेयरमैन है ब्लॉक समिति से, उनसे जानते हैं कि पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिली है, किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को लेकर, क्या रहेगा आपकी पार्टी की रणनीति, कहाँ से आपने राजनीति की शुरुआत करी थी और क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, भाई दुष्यंत चौटाला जी, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, पार्टी के प्रधान महासचिव डॉक्टर कृष्ण चंद्र बांगड़ जी और जिले के प्रधान चौधरी पदम सिंह भैया जी और साथ में जिला सभी के कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी विश्वास जताया। दीप जी, ये तो बात आपने पार्टी का धन्यवाद की कह दी, राजनीति की शुरुआत कहाँ से की और यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ा, किस तरह का संघर्ष है? पार्टी में लोग पार्टी में रहे थे, दो फाड़ होने के बाद दुष्यंत में भी आस्था जताई थी, तो अब कहाँ देखते हैं? जैसे ब्लॉक समिति के चेयरमैन से आपको शुरुआत की गई थी। मैंने 2010 में ब्लॉक समिति के मेम्बर का चुनाव लड़ा जिसमें मेरे दो गाँव तिहाड़ मलिक और गाँव मेरा पैतृक गांव गांव भी दिलाता था, दोनों गांव से ने मुझे एक तरफा बहुमत से जिताया। उसके बाद गोहाना ब्लॉक का चेयरमैनी का चुनाव लड़ा जिसमें 35 गांव थे, 23 मेंबर थे, 23 मेंबरों में से 18 मेंबरों ने आकर सर्व समिति से मुझे आशीर्वाद दिया, 35 गांव की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद मैंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की आस्था जताते हुए 16 अगस्त 2011 में गोहाना की सब्जी मंडी में एक बहुत बड़ा आयोजन करके के गोहाना हलके से कई हज़ारों की संख्या में नौजवान युवा मेरी माता बहनों ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिया और पार्टी INLD पार्टी ज्वाइन करी। ये थे हमारे साथ कुलदीप मलिक जो JJP से टिकट के उम्मीदवार बनाए गए हैं गोहाना विधानसभा से। उन्होंने खास कहा कि उन्हें डॉक्टर अजय चौटाला से राजनीति की शुरुआत की थी, उन्हें अपनी प्रेरणादायक मिली थी, जो उन्होंने आज गोहाना विधानसभा से टिकट देकर उन्होंने उनके परेशान किया और उनको जरूर गोहाना विधानसभा से जिताने का काम करेंगे। R9 TV के लिए गोहाना से राहुल सैनी।